हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। में आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और कमाल का न्यू ब्लॉग लेके। सो गाइज, अभी आप लोग लोकेशन देख लो, हम लोग कहाँ पे बैठे हैं आपको पता चल ही होगा। तो हम लोग बैठे हैं देवास के रेलवे स्टेशन पे। अभी टाइमिंग हो रहा है रात के 8:30, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। दिन भाई, पंकज भाई और देवांश भैया जा रहे जो है अभी उज्जैन जा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में ट्रेन बस आने ही वाली है। तो अभी चलते हैं और बढ़िया से मज़े लेते हैं। महाकाल लोग जब से ओपन हुआ है, मतलब जब से उसकी ओपनिंग हुई है, तब से मैं गया भी नहीं हूँ उज्जैन। तो बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, महाकाल लोग के भी दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, बढ़िया से और आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीखते हैं। ये देखो ये सस्ते ब्लॉगर गाइस, सस्ते ब्लॉगर गाइस। जिनने भी ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है। सौरव जोशी से भी बड़े हैं, से मिलने से बजेंगे बेटा। तो हाँ गाइस, इनका सिस्टम सेट छोरिया चिपट जाएगी। और भैया तो फंस गए बावन की लड़की चक्कर में। और ये इधर देखो, देवांश भैया भी फंस गए बावन की लड़की चक्कर में। भैया फंस गए बावन की लड़की के चक्कर में। मालगाड़ी खड़ी हुई है देखो, ये बढ़िया से एकदम। और नॉर्मल से भीड़ है स्टेशन में, ज्यादा भीड़ नहीं अभी। चना ए हसीनो तो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनो। जब आप सस्ते नशे करते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गाइस, हम लोग स्टेशन से अब डायरेक्ट महाकाल लोग आ चुके हैं। शायद ये बंद होने वाला है, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये खुला होगा, वरना तो शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10:30 के ऊपर हो चुका है, तो शायद 11 बजे तक बंद हो जाता। बाकी देखा लोग तो बंद हो गया, अब सुबह खुलेगा 6 बजे। हमारी किस्मत ख़राब है कि हम आने में लेट हो गए। बाकी मौसम का हाल भी बिगड़ रहा है, उसकी बिजली कड़क रही है, बोले एकदम पानी का सीन हो रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं, भूख लग रही है खाना खाने के लिए। ठीक है गाइस, तो चलो फटाफट से चलते हैं। चाय चल रही है गाइस, धर्मशाला के बाहर बैठ के। हाँ, बिना गुल्लड़ के 10 की 15 रुपये की चाय पी लो गाइस, 15 रुपये गुल्लड़ वाली 15 की चाय। ये दोनों बैठे हुए हैं और हम लोग अपने धर्मशाला के बाहर बैठे हुए हैं तीनों चारों। गाइस, हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम लोग खाना खा के भी आराम ही कर रहे हैं। हम लोग ने क्या करा कि रेस्टोरेंट से खाना धर्मशाला में ही चेक करवा के ले आए थे, और यहीं पे हम लोग अभी छत पे सो रहे हैं। बढ़िया से बिस्तर वगैरह लेके आ गए हम नीचे से, अभी आराम कर रहे हैं। और महाकाल लोग तो बंद ही हो गया, तो कोई सीन ही नहीं हुआ अंदर जाने का। बाकी मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है यार, बिल्कुल काले बादल छा रहे हैं और बिजली भी कड़क रही है। बाकी देखते हैं जैसा भी मौसम होगा आपको अपडेट दे देंगे। और सुबह हम लोग फिर मंदिर भी आएंगे और महाकाल लोग भी जाएंगे एंड फिर। ठीक है, तो आप सभी को गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं अब अपन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए भाई, तो अब नींद आ रही है। ठीक है, सुबह मिलते हैं। सुबह हो चुकी है और हम सब उठ चुके हैं, मतलब देवान जी अभी भी सो रहे हैं। तो हम लोग उठ चुके हैं एंड अभी हम लोग नहा धो के तैयार होके फ्रेशन अप होके जो है मंदिर जाने वाले हैं। और अभी टाइमिंग हो रहा है सुबह के 7 बज चुके हैं गाइस। हम लोग का प्लान तो था कि हम लोग 5-6 बजे तक मतलब उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इस मनुष्य का कारण। ये अलार्म लगा कर सोते तो है, लेकिन इनका अलार्म से बचता ही नहीं है। हम लोग उठने में लेट हो गए यार। बाकी आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ, देखो नीचे का हमारी धर्मशाला के सामने, ये कुछ इस तरीके से मंदिर जस्ट ये यहीं पे ही है। हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं पड़ता जाना, अच्छी बात है कि हमारी धर्मशाला मंदिर के पास ही है। और बाकी सुबह सुबह का माहौल देख लो। और ये देखो इधर इधर तो एक्सरसाइज चल रही है गाइस, ये देखो। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं एंड चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए महाकाल के। तो गाइस, हम लोग रेडी होकर नीचे आ चुके हैं, देखो ये हमारा आउटफिट है। एंड अभी हम लोग जो है मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बाकी ऐसा बोला जा रहा है कि अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो वीडियो कैसे शूट होगी, ब्लॉग कैसे बनेगा अपना। बाकी देखते हैं जैसा भी होता आप लोगों को बता देंगे। बाकी ये देख लो, ये देख लो, अभी नितिन भाई ज़रा अपना मोबाइल वगैरह अंदर रखने के लिए गए हैं। तो गाइस, अभी हम लोग महाकाल के दर्शन करके आ चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा भाई अंदर बैठने से दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। और अभी हम लोग भारत माता मंदिर के सामने देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग महाकाल लोग मतलब महाकाल कॉरिडोर भी आ रहे हैं, तो चलते घूमते हैं, बढ़िया से मजे लेते हैं, भारत माता के दर्शन कर लेते हैं पहले।
कॉरिडोर में आ चुके हैं एंड लोकेशन ये देखो। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, पहली बार कॉरिडोर देख रहा हूँ मैं तो, अभी तक देखा ही नहीं था मैंने। मस्त मस्त स्टैचू है यहाँ पे। यूरोपियन हमारे नितिन भैया ने और पंकज भैया ने भी फोटो भी क्लिक करवाई है। कॉरिडोर इतना बड़ा है हम लोग को लगता है कि हम लोग पूरा कवर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक आध घंटे बाद हमारी ट्रेन भी है। बाकी देखते हैं जैसा भी सीन होता है। अभी तो बढ़िया मजा आ रहा है घूमने में। ये देखो अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टेचूज हैं यहाँ पे। बाकी आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट में मैं कुछ कुछ दिखाई दूंगा। काफी ज्यादा मजा आ रहा है, हम लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। बाकी आप लोग लोकेशन देखो जरा मेरे पीछे की, लग रहा है यार भाई है ना। और ये देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है इनका, ये देखो मजा आ रहा है। आगे चलते हैं। चश्मा लगा लिया, बताओ कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ, लग रहा हूँ। बाकी काफी मजा आ रहा है यार घूमने। अरे लोकेशन बता रहे हो इधर? लोकेशन बता रहे हैं फोटो शूट की। चलो भाई सिस्टा। मस्त लग रहा भाई है ना, अच्छा लग रहा। महाकाल कॉरिडोर पूरा घूम लिया और बड़ा गणपति के दर्शन कर लिए। वापस से अब हम धर्मशाला में जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हम लोगों ने धर्मशाला से चेकआउट कर दिया और अब हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारी ट्रेन जो है वो जिस टाइम पे आने वाली थी उससे एक घंटा लेट हो गई, तो अब लोग वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वहाँ से तो चेकआउट किया, फिर नाश्ता किया और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे। तो चलो घर चलते हैं। फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं एंड हमारे साथ अभी अभी एक इंसिडेंट हो गया था। मतलब कि जैसे ही हम लोग ट्रेन में से उतरे तो हमारा जो है एक बैग ट्रेन में ही रह गया था। मतलब हमारे पास टोटल तीन बैग थे, एक मेरा, एक देवाश भैया का, एक पंकज भैया का। तो पंकज भैया वाला बैग जो है वो जो क्लिप रहती है उस पर टंगा हुआ था। तो हम लोग जैसे उतरे स्टेशन पे उसके बाद एकदम से नितिन भैया ने बोला कि तेरा बैग कहाँ है। मतलब तो उनको याद आया कि मतलब बैग तो ट्रेन में ही रह गया। और ट्रेन जब चलने लग गई थी, मतलब स्टेशन से निकल चुकी थी, जब एकदम से याद आया कि बैग ट्रेन में ही रह गया। तो भैया ने अपने फ्रेंड वगैरह को कॉल किया एंड फिर हम लोग घर आते आते रास्ते में उनको सब लोकेशन वगैरह बताया कि इस डिब्बे में इतने नंबर की ट्रेन है, इतने बजे यहाँ आ जाएगी इंदौर, तो इस डिब्बे में रखा हुआ है, निकाल लेना, ऐसे सब करके। तो फाइनली वो बैग मिल गया और हमको थोड़ी राहत मिली। फिर हम घर आए और जैसे हमने मतलब मम्मी को बताया ना कि हम लोग बैग ट्रेन में भूल गए, तो हमको अच्छे डायलैक्ट सुनाए। फिर हमने बता दिया कि मतलब हमारा बैग मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा सब सीन हो गया था अभी, तो मैंने वो सब शूट नहीं किया, लेकिन ठीक है। तो आज के इस उज्जैन वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल भी ने सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टीवाई के ब्लॉग।